नमस्कार, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तैयारियों में लगे होंगे 69वीं बीपीएससी के परीक्षा के लिए। देखिए, यहाँ पे आगे बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे अलर्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपके लिए एक बुरा खबर है। बीपीएससी थोड़ा सा बुरा खबर दे रहा है। बुरा खबर क्या है, वीडियो आखिर तक देखिए, आपको सब कुछ मैं उसमें बताऊंगा। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये 21/4/2023 को बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल ईयरली कैलेंडर रिलीज़ किया कि भाई क्या क्या ये लोग एग्ज़ाम लेने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए TBD, यहाँ बहुत जगह आपको दिखाई देगा। TBD मतलब होता है टू बी डिसाइडेड, अभी डिसाइड हुआ नहीं है, डिसाइड होना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फेमस एग्ज़ाम्स हैं बीपीएससी का जो कि हुआ है अभी रिसेंटली। देखिए, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ है, तो इनका जो एग्ज़ाम है, ध्यान रखिएगा, 3/8/2021 को जो है ये एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स हो गया था, ठीक है। और रिज़ल्ट भी इनका 24/1 को हो गया, मेंस भी इनका कंप्लीट हो गया। अभी मेंस का रिज़ल्ट नहीं आया, टू बी डिसाइडेड है। और यहाँ बाकी जो है इंटरव्यू भी अभी टू बी डिसाइडेड है, फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ ये चीज़ है। ऑडिटर का भी जो एग्ज़ाम आप लोग सुने होंगे कि बहुत इनका फेमस एग्ज़ाम था, तो 29/8 को इनका प्रीलिम्स हुआ, रिज़ल्ट पब्लिश हो गया। मेंस भी यहाँ पे देखिए 4/11 को हुआ, मेंस का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, टू बी डिसाइडेड है। और उसके बाद इंटरव्यू भी है, उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी चीज़ें भी बहुत सारी पेंडिंग हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए 68 का इन्होंने दिया हुआ है, 324 सीट के लिए था। देखिए, बड़ा कम सीट के लिए था, केवल 324 सीटों के लिए था। 67वीं देखिए 802 पोस्ट के लिए था। यहाँ दोनों में देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है, 50% 60% सीट का अंतर है। मतलब 67वीं में 60% ज़्यादा सीट था, 67वीं में 60% ज़्यादा सीट था, 68वीं में कम है, 60% सीट कम है, उस वजह से रिज़ल्ट भी कम आया। खैर, इनका यहाँ पे देखिए 68वीं का 12 को एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट भी 27 को दे दिया गया, 27 मार्च को। अब यहाँ पे मेंस भी जो है 12/18 को जो है यहाँ पे चलेगा, 12 मई से 18 मई तक यहाँ पे रिज़ल्ट है, सॉरी मेंस का यहाँ पे डेट दिया हुआ है, 12 मई से लेकर 18 मई तक चलेगा। यहाँ पे देखिए टू बी डिसाइडेड दिया है, रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। डेट यहाँ पे जो है इंटरव्यू डेट भी, अभी पहले रिज़ल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू डेट देगा, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट का भी डेट अभी आया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 67वीं का देखिए, 67वीं का कब ही हो गया था, 30/9/2022 को इनका पेपर हो गया था, रिज़ल्ट भी देखिए 11/2022 को पब्लिश हो गया था। और यहाँ पे मेंस भी जो कंडक्ट हो चुका है 30/12/2022 से, 30 दिसंबर से लेके यहाँ पे 7 जनवरी तक हुआ है। अब भी देखिए रिज़ल्ट अभी तक इनका आया नहीं है, 67वीं मेंस का रिज़ल्ट अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। इंटरव्यू डेट भी टू बी डिसाइडेड है और यहाँ पे जो है फाइनल रिज़ल्ट भी डिसाइडेड है। तो यहाँ पे ये सब फंसा हुआ है। अब बात आ रही है कि 69वीं में क्या है, ये कब तक होगा। देखिए, 69वीं की जो बातें की जा रही हैं, मैं आपको बता दूँ, देखिए 69वीं जो है ना, इस बारी ये दोनों को मिला के सीटों की संख्या रह सकती है। देखिए 800 प्लस सीट रहने की संभावना है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास सीट रहने की संभावना है। देखिए यहाँ पे 20 से 25 विभागों से अभी अधियाचनाएं आनी इसमें बाकी हैं, पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, नोटिफिकेशन कब आएगा, आपने इतनी कुछ बातें कर ली, नोटिफिकेशन अभी नहीं बता रहे हो, बता रहा हूँ नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। यहाँ देखिए सबसे नीचे में इन्होंने बीपीएससी का ये जो है ना, सबसे नीचे में इसको इन्होंने जगह दिया है। अब देखिए यहाँ पे 69th CCE का यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसी NA है, यानी कि अभी कुछ भी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। देखिए प्रीलिम्स का जो है ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कब डिसाइडेड है, 30/9/2023। आपको याद होगा 68वीं का पेपर दे के निकले थे, उसी दिन शाम में ये बता दिए थे अध्यक्ष महोदय कि भाई देखिए 30 सितंबर को जो है पेपर होगा, और ये पेपर जो है ये कंबाइंड होगा, ठीक है, कंबाइंड होगा। अब ये यानी कि CDPO, ऑडिटर, BPSC, एक जैसे नेचर का जितने एग्ज़ाम्स हैं सब मिला के कंबाइंड होगा। अब यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट भी बता दिया कि 15/11/2023 को रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी कि सोचिए ना, 30 अक्टूबर के आसपास में यहाँ पे 30 अक्टूबर को यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, बोल रहा है 15 नवंबर को दे दिया जाएगा आपको रिज़ल्ट, यानी कि भैया 16 दिन के अंदर में आपको हम रिज़ल्ट दे देंगे, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 9/12/2023 से 16/12/2023। अब देखिए ये सबसे बड़ी बुरी खबर है, सबसे बड़ी बुरी खबर, यानी कि आपको समय कितना दिया जा रहा है भाई, इधर 15 दिन उधर 10 दिन, मोटा मोटी 20 से 25 दिन का मात्र समय दिया जा रहा है। यानी कि भैया मेंस में अगर आप मेंस की तैयारी अभी से अगर नहीं कर रहे हैं, खाली पीटी कर रहे हैं, तो भैया सही में आपके पीटी लग जाएंगे,
सीरियसली सिर्फ 20 से 25 दिन का समय दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा भैया समझ जाइए कि जो भी प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल जो भी स्टूडेंट हैं वही यहाँ पे ये एग्ज़ाम निकालेंगे। वैसा नहीं कि कोई भी गाइड वाइड कोई पढ़ के निकाल रहा है, खाली पीटी की तैयारी कर रहा है, सोच रहा है मेंस का एक बार पीटी पास हो जाए दे लेंगे। नहीं नहीं भैया नहीं, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, आंसर राइटिंग अभी से करनी पड़ेगी। यही सबसे बड़ा बैड न्यूज़ है इस बार का 69वीं का। आपको जो है देखिए एकदम शेड्यूल्ड है, मई लास्ट में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई लास्ट में आपका नोटिफिकेशन जो है इसका आने जा रहा है। ये शेड्यूल्ड है, पोस्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर भी हो जाएगा शेड्यूल नोटिफिकेशन आने के साथ साथ। और आप सब जानते हो बीपीएससी का नेचर है कि वो वैकेंसी निकाल देती है और पोस्ट आगे चल के ऐड करते रहती है, उनका ये नेचर है। तो खैर इसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इस बार जो है पोस्ट अच्छा खासा रहेगा क्योंकि पिछली बार SDM वगैरह का पोस्ट इसमें ऐड हुआ नहीं था, इस बार SDM वगैरह का भी पोस्ट रहेगा, तो पोस्ट ठीक ठाक रहेगा, पोस्टों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। सबसे बड़ा बैड न्यूज़ जो है देखिए, आपको केवल 20 से 25 दिन दिए जा रहे हैं मेंस और रिज़ल्ट PT के, इसके बीच में आप 20 से 25 दिन में अगर आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे हो तो 20 से 25 दिन में भाई आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हो। यहाँ BPSC ने सीधा बोला है कि भाई जो पहले से बच्चे प्रिपेयर हैं, जो BPSC को डेडिकेटली फॉलो कर रहे हैं, जो केवल BPSC के लिए बने हैं, हम उन्हीं को अपने पास शामिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम प्रीवियस जो 68वीं का कट ऑफ गया था इसके ऊपर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। देखिए कट ऑफ जो यहाँ पे गया था जनरल कैटेगरी का, ठीक है, जनरल कैटेगरी का मेल का 91 गया था, फीमेल का 84 गया था, ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। EWS देखिएगा यहाँ पे 87.25 कट ऑफ गया था मेल्स का और फीमेल का 81.25 है। तो इस बार जो कट ऑफ जो रहने वाला है, क्योंकि इस बार देखिए सेम पैटर्न रहेगा, 68वीं का जो पैटर्न है वही पैटर्न रहेगा। अच्छा यहाँ पे एक और बात सुन लीजिए, कल से यानी कल जो है मैं 68वीं का जो पेपर हुआ था इस पेपर का मैं एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है। इस पेपर से आप क्या समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। तो 68वीं BPSC वाले एक जो पेपर है ऑफिशियल पेपर, उससे मैं एनालिसिस करवाऊंगा, ऑफिशियल आंसर की से इसका एनालिसिस होगा पूरा। तो कल वीडियो आप लोग डेफिनेटली ही देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अब हमारा प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस में मिशन मोड में हमारा 68वीं BPSC का प्रैक्टिस सेट वगैरह ये सब अपलोड होगा, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि अब 69वीं BPSC से संबंधित सारे वीडियोज़ आपको अपडेटेड रेगुलरली मिलेंगे। 68वीं BPSC का आपको कल जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर था, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर अब मैं यहाँ डालना शुरू करूँगा और एनालिसिस आपको मैं दिखाने स्टार्ट कर दूँगा कि पहले 67वीं में क्या था, 68वीं में क्या फ़र्क था, ये सब कुछ आपको कल से सारे स्ट्रेटेजिकली वीडियोस दिखने लगेंगे। तो आपका इस BPSC के फैसले के ऊपर क्या आपका अपना सोच है ये ज़रूर बताइए कि 20 से 25 दिन का ये लोग समय दे रहे हैं सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, आपका क्या सोच है। दूसरा, क्या आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेडी हैं या अभी आप सिर्फ प्रीलिम्स खेल रहे हैं। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स खेल रहे हैं, आपके पास अभी 3 months का समय है, 3 months इनफ होता है, आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें लग जाइए, अदरवाइज़ भाई आपको फिर संसार कम पड़ जाएगा मुँह छुपाने के लिए। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।